के अध्यक्ष, भीम आर्मी के अध्यक्ष हमारे बीच आए हैं, तो इनका स्वागत करिए तालियों का। मैं क्या पूछ रहा हूं, जब वो महिला जो ऐसे पुरुष पैदा करते हैं जो अपने आप को अहंकारी तानाशाह समझने लगते हैं, वो उसी महिला के पेट से तो जन्म लेते हैं ना। समझती है, महिला ताकत कमजोर नहीं होती और वो अशुभ नहीं होती है। महिला जो है उसी से जन्म लेता हर इंसान। अगर मैं खड़ा हूं तो इसलिए खड़ा हूं, मेरी मां ने जन्म दिया। जो महिलाओं को अशुभ मानता हूं, जो महिला को बुरा मानता हूं, वो व्यक्ति नीच हो सकता है। महिला अशुभ नहीं होती। मैं फिर ये कहना चाहता हूं, उन्होंने गलत कह दिया तो आप अपने आप को क्यों सोचने लगी? लड़ो, बिना लड़े कुछ मिलता है क्या? लड़के ही आदमी पेट से भी बाहर आता है। अगर लड़ाई ना हो तो पेट में ही मर जाए, समझ लियो। ये जब पैदा होता है और जब तक जीता तब तक संघर्ष है। मैं अपनी बहनों से कहूंगा हौसला रख के लड़ो। आपसे भी आग्रह करूंगा, आप जीतना चाहते हो ना, आप देखो पहले तो यूनिटी बना के रखो। ये मेरा नहीं आपका आंदोलन है, याद रखो। किसका आंदोलन है ये? मैं इसको अपना आंदोलन नहीं बनाना चाहता, समझ रहे हो? वरना कल वो लोग कहेंगे कि हम तो उनकी वजह से नहीं कर रहे हैं। मैं तो करवाना जानता हूं ना। मैंने यहाँ 69 शिक्षक भर्ती के बच्चे अभी बाहर बैठे हैं, मैंने उनकी भी 68 नियुक्ति रिलीज करवा दी थी, लेकिन फिर इस निकम्मी सरकार ने उनका अधिकार छीन लिया। मैं सरकार को जानता हूं, लुटेरी है। एक तो लुटेरी होती है, एक तो होते चोरी करने वाले, एक होते लुटेरे डकैती करने वाले। वो सरकार ही है। वो 68 बच्चे वहां बैठे हुए हैं, 68, उनसे पूछो उनके परिवार से। वो इनके दफ्तरों पे जाते तो लाठियां खाते हैं, अपमानित होते हैं, क्योंकि दलित पिछड़े वर्ग के हैं तो गालियां खाते हैं, उठा के फेंकते जाते हैं, उनको मुसीबतें होती है, वो यहाँ लड़ते रहते हैं। मैं उनके हौसले को देखता हूँ, लेकिन ये सरकार ऐसे निकम्मी सुनती नहीं। इसलिए कह रहा हूं, पहले तो यूनिटी बनाओ अपनी, एकजुट रहो, गलत फहमी मत पैदा होने दो, आंदोलन इस तरह टूटते हैं। ठीक है, अपने निजी हित को छोड़ के पूरी अपनी ये तुम इसको अपनी कम्युनिटी मानो, कर्मचारी कम्युनिटी, इसके अधिकारों के लिए लड़ो मिलके। और फिर मैं विश्वास से कहता हूं, आपसे 4 गुना संख्या में हम लोग आपकी मदद करेंगे जब आप अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार। और यही नहीं करेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में करेंगे, हम पे संगठन है, पूरे देश में संगठन है, हर जिले पे कर देंगे हम। बस आप लड़ने का मन बना के आगे बढ़ते रहो। मेरी मंगल कामना, और अच्छे साथी हैं आपके साथ जो लोग इस लड़ाई को लीड कर रहे हैं। अब लगवाना नारा, अगर ऐसी आवाज रहेगी तो कौन सुनेगा तुम्हारी आवाज? ऐसी आवाज सुनेगा कोई? तो जोर से आवाज आनी चाहिए ना। ये रुक जाओ, बिंदु में खड़े हो जाओ। अब लगाओ नारा, बहुत तेज तेज बोलते ना, हिम्मत करके लगवाओ। इसी को मुझे बहादुर बहन, मुझे भरोसा हो गया कि अब आप लोग जीत जाओ। मेरी आज की बात याद रखना, मैं जो कहता हूँ बहुत सोच समझ के कहता हूँ। मैं लड़ाई भी उनकी लड़ता हूँ जो अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं। जो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ते ना, उनकी लड़ाई कोई लड़ ही नहीं सकता। पहले आदमी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। आप अगर 37 दिन ना बैठते, कौन आएगा आपकी मदद करने के लिए? जब आप 37 दिन से बैठे तो लोगों को विश्वास होगा कि आप लड़ोगे, क्योंकि अक्सर रहता है जिनकी लड़ाई लड़ने जाते वही घर चले जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपकी लड़ाई के लिए मंगल कामना है। मेरा विश्वास है अगले महीने की के आधे दिन पूरे होने से पहले आप जीत जाओ। आप तारीख कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, और सौरभ किशोर जी से बस मुझे बता देना, मैं उस दिन छुट्टी रखूंगा, यहीं आ जाऊंगा। हाँ बस ठीक है, ठीक है, आप सबके लिए धन्यवाद। हिम्मत करके लड़ो। जय भीम, 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 जय भीम
लहरों के विपरीत जो है वो जिंदा लोग तैरते हैं, लहरों की के बहाव में मुर्दा बहते हैं। आप जिंदा हो इसलिए यहाँ बैठे हो, इसलिए दम जन दम लगा के लड़ो, घबराना मत। आपकी एक की नौकरी नहीं जाने दूंगा, वचन देके कह रहा हूँ, ये बात मेरी वचन से याद रखना। किसी एक व्यक्ति की नौकरी नहीं जाने, जितने सस्पेंशन हुए हैं सारे सस्पेंशन वापस होंगे और आपकी मांगे फ्री होंगी, मेरी बात को याद रखना। कुछ दिन की बात है, बस दम के लड़ो और तारीख तय कर लेना, उस दिन देखना आप तारीख तय करना। मैं बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री आवास के घिराव भी तय करना, उस दिन ठीक कर देंगे सब, लोकतंत्र है, आप याद रखना मेरी बात को। और आगे आगे हम रहेंगे लाठी खाने के लिए, हम देखेंगे सरकार की लाठियों में कितना जोर है। ठीक है, ये जिंदाबाद करके ना सब खराब कर देते, पता है क्यों? जब जिंदाबाद हो जाता ना आदमी, फिर लड़ना भूल जाता है। मुझे लड़ने तो बहुत लंबी लड़ाई है मेरी अभी। ठीक है, खुश रहो, बस आप सबके लिए मंगल कामना, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी